अरे कृष्ण जी एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। क्षमा कीजिएगा अगर आपने मेरे वीडियो का प्रतीक्षा किया तो, कम से कम एक हफ्ते बाद दे रहा हूँ क्योंकि क्लिनिक्स के काम थे, तो इसलिए मुझे क्लिनिक्स को भी देखना पड़ता है और यूट्यूब को भी हफ्ते में एक बार या दो बार देखना पड़ जाता है। तो आज की जो विषय है ये है मेडिटेशन से रिलेटेड, मतलब मेडिटेशन करते वक्त आपके बॉडी में चेंजेस जो होते हैं वो किन किन पॉइंट्स में होते हैं और वो चक्रास कौन कौन से हैं जिसमें वो चेंजेस आपको दिखने को मिलते हैं। तो जो वो चक्र बैलेंस रहते हैं या फिर जब चक्र आपका शुद्ध रहता है, तो चक्र शुद्ध रहने पे आप इस पृथ्वी के जो एलिमेंट्स और इस पृथ्वी में जो घटित हो रहा है उन घटित चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को सेंस कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो। तो सातों चक्र होते क्या हैं? तो सातों चक्र जो होते हैं ये हमारे बॉडी में सुप्त अवस्था में रहते हैं, फ्रॉम बॉर्न टू डेथ, ठीक है, जन्म से लेकर मरण तक हमारे चक्र जो है वो सुप्त रहते हैं और हमें उसे जगाना होता है। जगाना अगर नहीं भी होता तो बैलेंस रखना होता है, ठीक है। लोग कुंडलिनी अवेकनिंग करते हैं उस चीज़ के लिए, जब हम उसको जागृत करने के लिए करते हैं, बट हमें बैलेंस रखना है, मतलब होल डे या होल अपनी लाइफ जो है उस होल लाइफ में हमें उस बैलेंस्ड चक्र से काम को आगे निकालना है और अपने लाइफ में जो जो चीज़ें हैं हमें उन सब चीज़ों को पाना है। ऑलराइट, इन सब के बारे में मैं टोटली अच्छी तरीके से बात करूंगा, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो को आगे से लेके पीछे तक, मतलब शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को देखिए और इसको लाइक कर दीजिए, गिव अ थम्स अप और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर इन फ्यूचर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो मैं आपसे साझा अवश्य करूँगा, बस बता देना आप कि मुझे कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो। ऑलराइट, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे से प्रश्न करते हो, मेरे से क्वेश्चन करते हो वीडियोस से संबंधित। ऑलराइट, बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसका आंसर आपको दे भी देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने मुझे सपोर्ट किया है इसलिए मैं आपका रिप्लाई भी देता हूँ प्रश्नों का जो आप मुझसे पूछते हो। और दूसरी बात जो है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को कंप्लीट देखा करो, शुरू से लेकर आखिर तक आप कंप्लीट वीडियोस को देखा करो, तब आप मेरे से प्रश्न किया करो कि अगर आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि आप हार्डली एक मिनट ही उस वीडियो को देखते हो उसके बाद आप प्रश्न करना शुरू कर देते हो, क्योंकि प्रश्न करने के बाद फिर मैं आपको ऐसा रिप्लाई दूंगा कि ऑब्वियसली ये सब लिखा हुआ है वीडियो में, बताया गया है वीडियो में, आप पहले वीडियो को तो देखो। तो मैं कितनों को इस तरह से रिप्लाई दूँ कि पहले वीडियो को कम्प्लीटली देखो? ऑब्वियसली आप कंप्लीट देखते नहीं हो और आप बीच में ही पूछ देते हो क्वेश्चन। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये ऑब्वियस कमेंट से अच्छा कि आप पूरा वीडियो संपूर्ण देखो, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं अवश्य आपके लिए हूँ, आपको रिप्लाई देने के लिए। ऑलराइट, तो बीच में आप एक मिनट या दो मिनट वीडियो ना देखें और क्वेश्चन ना पूछें, पूरे वीडियो को देखें कंप्लीट तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन पूछें। ऑलराइट, तो ये दो जो बात थी मैंने आपसे साझा की, मैंने आपको बताया, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में सातों चक्र होते हैं। सबसे ऊपर होता है क्राउन चक्र और सबसे रूट में होता है रूट चक्र, मतलब जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र। उसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर आता है मणिपुर, उसके ऊपर अनाहता, अनाहता के ऊपर आता है विशुद्धि चक्र जो हमारी थ्रोट चक्र भी कहते हैं, उसके ऊपर आता है आज्ञा चक्र जो कि हमारे दोनों भौहों के बीच में रहती है, द थर्ड आई, जिससे हम सिक्स सेंस डेवलप करते हैं, मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊँगा। और सबसे ऊपर आता है आपका क्राउन चक्र, मतलब सहस्रार चक्र। इन सातों चक्रों को जब आप एक्टिवेट करते हो या फिर आप मेडिटेशन के थ्रू इसको बैलेंस्ड करते हो, तो हर एक रूट, हर एक चक्र जो है वो हर एक चक्र का एक एक काम है, वो एक एक फंक्शन आपको प्रोवाइड कराती है। तो वो कौन कौन से फंक्शन है अब शुरू करते हैं उसके बारे में बोलने के लिए। हमारा सबसे पहला जो फाउंडेशन चक्र है वो है रूट चक्र जो कि मूलाधार चक्र। जितने भी आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ देख रहे हो, काम वासना की एक्टिविटीज़, शक्ति की एक्टिविटीज़ या फिर आपके मन में चंचलता है, वो आपको एक जगह बैठने देती है नहीं, तो वो सारी कहाँ पे स्थित है? वो सारी स्थित है हमारे मूलाधार चक्र में जो कि होती है हमारे स्पाइन, एकदम स्पाइन की जो नीचे वाली कॉकिक्स नाम की एक बोन होती है, उस बोन के आसपास ही, गुदा के आसपास और उस स्केलेटन जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे एक कॉकिक्स नाम का एक बोन है, उसके आसपास वो एनर्जी सुप्त रहती है हमारे जन्म से लेके हमारे मरण तक, अनटिल अनलेस आप उसको एक्टिवेट या फिर बैलेंस ना करो तो। तो उस चीज़ में सारी शक्ति रहती है हमारी, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को लेके व्यस्त त्रस्त रहते हैं। आप काम वासना में चले जाते हो, आप इधर उधर भटकने लगते हो, आपका माइंड फोकस नहीं रहता, ऑल बिकॉज ऑफ रूट। ऑलराइट, तो रूट चक्र ही हमारा फाउंडेशन चक्र है। जैसे कि आप घर बनाते हो, तो घर बनाने से पहले आप डायरेक्ट छत तो नहीं बनाते हो, आप पहले फाउंडेशन देते हो, पहले उसमें आप
पिलर्स लगाते हो, पिलर्स लगाने के बाद 3 पिलर्स के ऊपर आप छत लगाते हो, उसके बाद आप ईंट से अपना जो घर है उसको ढकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से ही हमारा जो रूट चक्र है, उस रूट चक्र में एनर्जी कंसिस्ट होती है, एनर्जीज रहती हैं, जितने भी फॉर्म्स ऑफ मतलब हमारे अंदर एनर्जी और हमारे अंदर जो इमोशंस, हमारे अंदर जो वर्कफोर्स एनर्जी है, वो सारे नीचे सुप्त रहते हैं। इसलिए देखना, जब आप वीर्यनाश करते हो या फिर आप मतलब इंटीमेसी में इन्वॉल्व रहते हो या फिर आपका मन सिर्फ उसी में रहता है, तो देखना आपका जो एनर्जी है सिर्फ उसी में रहता है, और आपको कहते हैं कि आप और मतलब उस इंटीमेसी की तरफ जाओ, आप और प्लेजर लो वगैरह लो। तो जितने भी प्लेजर्स हैं सब हमारे मूलाधार चक्र में है। तो हमें क्या करना है, उस चीज़ को, उस प्लेजर को हमें अपने फोर्स, वर्क फोर्स एनर्जी को उठा के अपने काम में फोकस करके लगवाना है। तो उसके लिए हमें करना चाहिए मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से ही वो जो वर्क फोर्स एनर्जी है उसको काम में लाने के लिए उसको उठाते हैं हम ऊपर, ठीक है। तो उस चक्र पे, जिस चक्र पे आपको उसका फंक्शन पाना है, तो उस पे आपको करना होगा फोकस, और फोकस करके आपको वर्क फोर्स को ऊपर उठाना है। ऑलराइट, तो उसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट मैं मेन जो फंक्शंस हैं चक्रास के, उस चक्रास के फंक्शंस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र पेट का चक्र है, पेट का चक्र जो है उससे थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है, हमारे एब्डोमन में। तो स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र जो है वो और स्वाधिष्ठान जो है वो एक ही फंक्शन करते हैं, मतलब पेट से संबंधित। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मूलाधार चक्र जो है हमारे जनन इंद्रियों से संबंधित है। जितनी भी जनन इंद्रियों की बीमारियाँ हैं वो ठीक होती हैं वो बैलेंस होने से। जितने भी आप कामुकता या फिर लस्टी इंसान हो, वो लस्ट को ख़त्म करती है मूलाधार चक्र को बैलेंस करने से, उस एनर्जी को ऊपर उठाने से। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर मतलब पेट की अगर कब्ज की बीमारी है, अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो योग मेडिटेशन से जब वो चीज़ स्वाधिष्ठान मणिपुर से ऊपर उठती है, तो आपके पेट के डाइजेशन की प्रॉब्लम ख़त्म होती है, आप अच्छा अच्छा खाना खाने लगते हो। ऑलराइट, खाना खाने से आपका जो है मल से आप बाहर निकालते हो, मतलब फीसेस से बाहर निकलती है, आप सुबह जो टॉयलेट जाते हो तो आपकी पेट साफ रहती है उस बैलेंस रहने से चक्र की। ऑलराइट, उसके ऊपर आता है आपका जो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मीन्स आपका जो हार्ट चक्र है वो चक्र, ठीक है। तो हार्ट चक्र में जब आपका पहुंचता है एनर्जी, तो आप सबके लिए लव फील करते हो। अब तक तो आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए लव फील कर रहे थे, मतलब जैसे कि मैं लड़का हूँ तो मैं लड़की के लिए रिलेशनशिप में था, तो मैं उसको प्यार करता था या फिर उसके लिए मेरा अटैचमेंट था। बट अनाहत चक्र में जब आपके जो हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र में जब पहुँचता है आपका वो एनर्जी, तो आप सबके लिए लव फील करते हो। एक प्लांट भी आप देखोगे तो प्लांट को भी, फ्लावर को भी आप उसके लिए प्यार करना शुरू करोगे। मतलब लव चक्र, मतलब लव का जो फीलिंग है वो उस चक्र में आके रुकती है और उस चक्र में फ्लो करवाती है आपको, ठीक है। तो आप सबके लिए प्यार, जैसे कि मैं अभी आप सभी को प्यार करता हूँ बिकॉज आप मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। खैर, जो मेरे एनिमी होंगे, जो मेरे मुझे बुरा मानते हैं, मुझे ख़राब मानते हैं, मैं उसको भी प्यार की नज़र से ही देखूंगा। बट आप लोग जो मेजॉरिटी हो, आप लोग को तो मैं प्यार भरे नज़र से देखता हूँ, फिर प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चक्रा में जो है, वो चक्रा में मेरा एक सबके लिए बॉन्डिंग, एक लव बन चुकी है, और आप मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देते हो मेरे वीडियोस का, तो ऑब्वियसली मुझे पसंद आते हो। तो इसीलिए मैं आपको मतलब प्यार जैसा करता हूँ, और सबके लिए प्यार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर इंसान के लिए, आप जानवर के लिए भी, इंसान के लिए भी, प्लांट के लिए भी, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटी प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, यू बिकम अफेक्शनेट टू देम, उनके प्रति आप अफेक्शनेट रह जाते हो जब आपके हार्ट चक्र में आपका जो है वो बैलेंस रहता है, और जो एनर्जी है हार्ट चक्र में पहुँचता है। ठीक उसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में जो है थ्रोट चक्र कहते हैं इसको, और मैं बात बताता हूँ आपको, इसमें जब आपका एनर्जी पहुँचता है तो आप जो भी बोलते हो वो सच होने लगता है। आप जिससे भी मिलते हो और आप जिससे बात करते हो वो आपसे अट्रैक्ट होता है, ऑल बिकॉज ऑफ योर थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है। इसीलिए आप इतनी मधुर मधुर बातें करते हो। आप हनुमान जी को ले लो, हनुमान जी इतने मतलब ही इज़ अ वेरी डिसेंट एंड वेरी गुड पर्सन। उनका सातों चक्र इतना डेवलप्ड है कि वो राम जी से जब मिले, जब उन्होंने राम जी से वाक्य से बात की, तो राम जी को पता चल गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये हनुमान जी हैं। क्योंकि उनका जो विशुद्ध चक्र है वो इतना बेस्ट था कि वो शक्तिमान तो थे ही, मतलब ही वॉज लाइक अ बॉडी बिल्डर। बट बॉडी बिल्डर्स का क्या होता है, एक रफ़ आवाज़ होता है, एक मतलब एक खराश होती है आवाज़ में, बट हनुमान जी ऐसे नहीं थे। वो बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ ही उनका जो विशुद्ध चक्र था इतना प्योर था, ही जस्ट सॉफ्टली स्पोकन टू श्री राम एंड श्री राम जस्ट गॉट इम्प्रेस्ड। वो इम्प्रेस्ड हो गए और उन्हें पता चल गया कि हनुमान जी है। ठीक उसी प्रकार से जब आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस रहता है, तब आप इतने मधुर मधुर बातें करने लगते हो। मधुर बात के साथ आपकी जो भी बातें आप बोलते हो वो सच हो जाती हैं इस पृथ्वी में। मतलब अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है भी नहीं, तो एक टाइम में जाके वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाती है और लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हो जब आपका विशुद्ध चक्र जो है
आपका जो थ्रोट चक्र है वो डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इज़ लाइक एक सिक्स सेंस जो होता है ना, हमारे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं थर्ड आई डेवलप होना, जो मेरे साथ भी बहुत टाइम से होता है और जब से मैंने मेडिटेशन की है और मैंने फील की है इस चीज़ को, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आप इमीडिएट फ्यूचर जो है आज्ञा चक्र डेवलप होने से या फिर आज्ञा चक्र बैलेंस्ड होने से आप इमीडिएट फ्यूचर को भांप सकते हो कि ऑल राइट अभी 10 मिनट बाद ओके ये होने वाला है, या फिर 5 मिनट बाद आई थिंक ऐसा होगा तो ये नहीं करते हैं ये करते हैं। सो यू कैन सेंस थिंग्स, आप थिंग्स को सेंस कर सकते हो ड्यू टू दैट चक्र। और जो चक्र है आज्ञा चक्र, ये आपको फ्यूचर दिखाती है कि क्या गलत है क्या सही है, और आपको सेंस करवाती है ये आसपास की दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा घटित हो रहा है बुरा घटित हो रहा है या फिर कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है, ये पहले सेंस करा देगी आपको, और जो कि आपके लाइफ में जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आपके पास एक सेंस नहीं रहेगा, आप चीज़ों को जज नहीं कर पाओगे, तो आप फिर लाइफ में डिसीजन लोगे कैसे? और लेट डिसीजन लेने के लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग सही करवाती है आज्ञा चक्र, जब आपका बैलेंस रहता है तो। और लाइट अभी सुबह के मतलब 6:30 ऐसा ही कुछ हुआ है, सनराइज़ हो चुका है। और लाइट तो बहुत ही प्लेजेंट माहौल है, तो बोलना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्टिविटी भी करना अच्छा लगता है। और लाइट इसमें तो सुबह सुबह आपको इन चक्रास के ऊपर बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना होता है उठ के। और लाइट तो आप अगर सुबह उठते नहीं हो और आप अगर तमस लाइफ आपका लाइफस्टाइल है आपका, आप तामसिक हो बिल्कुल, सुबह उठते हो 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठते हो, जबकि सूर्य उदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। ऑलराइट, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हो और अपने सातों चक्रास को बैलेंस करते हो, तो फिर मैं बता रहा हूँ माय फ्रेंड्स, आपके लाइफ में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर सको, आप एवरीथिंग हासिल कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आती है, जो 6 चक्र मैंने बताए, 7 चक्र तक पहुँचने के लिए तो खैर कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, ठीक है, वो किसी गुरु के अंदर लिया जाना सही रहता है, बट 7 चक्रास को जो है आप मेडिटेशन से बैलेंस कर सकते हो, अवेकन नहीं बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि अवेक हो जाएगा तो फिर आप एक मतलब एनलाइटनमेंट की तरफ या फिर क्या कहते हैं मोक्ष की तरफ आप जाने लगोगे, या फिर आप गॉड कनेक्शन की तरफ मतलब पहुंचने लगोगे, लाइक ऑलमोस्ट गॉड ही हो जाओगे आप। बट हमें क्या है, ह्यूमन है हम, तो अगर हम गॉड के आसपास पहुँचे फिर गॉड होना चाहे तो फिर ये हमारे ह्यूमन नेचर का मतलब एक तौहीन होगा, कहते हैं ना एक इंसल्ट होगा, क्योंकि हम मनुष्य में ही रहना चाहेंगे। बट हमारे चक्रास जो हैं वो हमें एक्टिवेट करने हैं, क्यों? क्योंकि हमें कुछ पाना है लाइफ में, ठीक है। हम इतना जद्दोजहद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ हमें मिले। हम इतना मतलब अच्छा रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ बेटर हो, हम वर्स्ट से बेस्ट बने, एटलीस्ट बेटर बन के वर्स्ट से हम बेस्ट जाने का ट्राई करें। हम इसीलिए इन सब चीज़ों पर इतना जद्दोजहद करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ बेस्ट हो, कुछ बेटर हो। ऑलराइट, तो आई होप आपने समझा कि चक्रास का क्या महत्व है। ऑलराइट, चक्रास का महत्व तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन इज़ की। मेडिटेशन कैसे करनी है अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको हर एक चक्रास पे ध्यान देना होगा। जैसे कि अब मैं बैठा हूँ तो मैं शुरू करूँगा मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र में आप ध्यान लगाओ। मूलाधार चक्र में आप ध्यान लगा के हर चक्रास के अपने अपने एक डिजिट्स हैं, अपने अपने एक लेटर्स हैं। उस लेटर्स को अगर आप याद भी नहीं कर पाओ, मैं जो करता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, लेटर्स को अगर आप याद भी नहीं कर पाओ तो आप जस्ट ओम का उच्चारण करो हर एक चक्रास पे ध्यान लगा के। जैसे कि 7 चक्रास हैं तो 7 चक्रास में 7 बार ओम आपको करना है, ठीक है, जो कि योगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एक सूत्र है। ऑलराइट, तो मूलाधार पे आप ध्यान लगाओ और शुरू करो कहना ओम। ओ तो ठीक इस तरीके से आप 7 चक्रास पे, 7 चक्रास जो हैं उन पे 7 बार ओम ध्यान लगा के करो। तो देखना, मैं आपको 21 दिन का ही देता हूँ टाइम, 21 डेज, या फिर आप महीना भर ले लो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्मचर्य का पालन करके जब आप 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करते हो भगवान का नाम लेके, मैं आपको बता रहा हूँ आपका लाइफ जो है बहुत ही सुंदर होता है, आपका लाइफ जो है अब बहुत ही सात्विक होता है। आप जिससे भी मिलते हो वो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपको डेफिनेटली वो पॉजिटिवली ही लेते हैं, और पॉजिटिवली लेके आपसे जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, आपसे बहुत सारी चीज़ें वो निकलवाना चाहते हैं कि आप कैसे इतने पॉजिटिव रहते हो, या फिर आपके क्या सूत्र हैं, आपके क्या एथिक्स हैं, कल्चर क्या आपका, मतलब वो वर्क एथिक क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ आप करो और लाइफ में हर चीज़ को अट्रैक्ट करो और सक्सेसफुल बनो, मैं यही आशा और कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो देखा, ये लंबा वीडियो है बिकॉज डिटेल में मैंने हर एक चीज़ को बताया है इसमें,
ऑलराइट, तो मेरे इस वीडियो को देखो, भगवद गीता को पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइफ को अच्छा बनाओ, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही सुखी रहो, बहुत ही हैप्पी रहो. ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच आदि देखने के लिए. बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा.